अगर आप 2024 में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये 10 पॉइंट को कंसीडर जरूर करें। ऐसा करने से आपके रिटर्न की जो हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है म्यूचुअल फंड से, वो काफी हद तक बढ़ जाता है। ये वो 10 पॉइंट है जिसे आपने कंसीडर कर लिया तो आप नेगेटिव रिटर्न के तरफ जाने से बच जाएंगे या उसकी जो संभावना है वो कम हो जाएगा। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं होता है कि वो कौन कौन से पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करते समय। ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो पर भी आपको ये चेक करना चाहिए कि वो 10 पॉइंट बेस पे खरा उतरता है या नहीं। तो मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं टेक एंड टैक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं वो 10 पॉइंट को जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय। पहला, नेवर बाय म्यूचुअल फंड फ्रॉम द बैंक। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जिसे पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड हम कहां से और कैसे खरीद सकते हैं, वो सिंपली बैंक में जाते हैं और बैंक एम्प्लॉय को कहते हैं मुझे म्यूचुअल फंड बाय करनी है, और बैंक एम्प्लॉय उसे म्यूचुअल फंड रेगुलर मोड में दे देती है। रेगुलर मोड में देने से नुकसान क्या है रिटेल इन्वेस्टर को, जो उसमें एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर हम एक्सपेंस रेशियो को ऐसे समझ सकते हैं, जो वो कमीशन चार्ज करती है म्यूचुअल फंड, उसे हम एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं। तो रेगुलर मोड में एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है और वो हमारे जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं उसको इम्पैक्ट करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट बैंक से म्यूचुअल फंड को बाय नहीं करनी चाहिए। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं है कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट करें तो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न को वो पूरा करती है। ऐसे में जब हम मार्केट को देखते हैं तो 2000 प्लस स्कीम्स हैं, और जो सारी स्कीम बोलती हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए हम आपको एक बेहतर रिटर्न देंगे, तो ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कौन से बेहतर रिटर्न देने वाली स्कीम है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर आपको दो बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी पहले इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को देखिए, दैट मीन कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और कितने अमाउंट को आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये दो चीज आपको पता हो जाएगा तो आप डिसाइड करने में या सेलेक्ट करने में आपको बहुत इजी होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे पर्पज, हमारे गोल को सूट करता है, कि हम अपनी गोल को अचीव करने के लिए किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको बचना चाहिए FOF फंड में इन्वेस्ट करने से, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने से, और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। एक पर्पज है, ज्यादातर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में हम ज्यादा उनको कमीशन क्यों दें, हम उसको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों पे करें। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इक्विटी में भी बहुत सारे फंड हैं, उसमें से आप देखना कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टीपल चीजें हैं, तो आपको लार्ज को, जैसे मैंने बोला, आपको इग्नोर करना चाहिए। आप अगर एक छोटा स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 1000, 2000, 5000, तो आपको शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल सेफ गेम नहीं खेलना चाहिए। स्मॉल कैप चुनाव करने से आपको थोड़ी सी रिस्क फैक्टर तो है, बट अगर ओवरऑल रिटर्न देखें तो आपके सारे जो भी कैटेगरी मिड कैप, लार्ज कैप, इससे आपको एक बेहतर रिटर्न देता है। तो आप फंड सिलेक्शन में कई बार लोग करते क्या हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स दायरे में नहीं आता, उसके बाद भी ELSS फंड में इन्वेस्ट करता है, टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करता है, और टैक्स सेवर फंड का यूजुअली जो रिटर्न होता है वो कम होता है, वो टैक्स सेविंग पर्पज के लिए उसमें ATC में डिडक्शन मिलता है, बट वैसे बाय करता है। तो कभी ऐसे फंड का चुनाव मत कीजिए, किसी ऐसे फंड में पैसे मत लगाइए जहां पे आपके रिटर्न कम है। तो आपको ये फंड सिलेक्शन में दो बात का, कि कितने अमाउंट का इन्वेस्ट करने वाले हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करने वाले, इस दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, अपनी गोल को कंसीडर करते हुए आपको चुनाव करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डिविडेंड
वर्सेस ग्रोथ मोड। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें दो ऑप्शन देता है कि आप कौन सा चुनाव करते हैं, डिविडेंड ऑप्शन या ग्रोथ ऑप्शन। अब सबसे पहले समझना होगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि डिविडेंड ऑप्शन और ग्रोथ में दोनों में अंतर क्या है। डिविडेंड ऑप्शन में आपको जो भी उससे रिटर्न होते हैं, उनका जो डिविडेंड उस पे होते हैं, जो प्रॉफिट आता है, वो आपको टाइम टू टाइम पे आउट करता है। दैट मीन्स अगर आप किसी कंपनी, आप जैसे म्यूचुअल फंड बाय किए, म्यूचुअल फंड जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वहां से जो भी डिविडेंड आता है वो आपको टाइम टू टाइम उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। इसको डिविडेंड ऑप्शन कहते हैं कि अगर बीच बीच में आपको इनकम चाहिए। बट डिविडेंड ऑप्शन के बहुत सारी बुराई है, बहुत सारे खामियां हैं, हम बाद में बात करेंगे, इसके लिए हमारा एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है। दूसरा ऑप्शन होता है ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को, और जब आप शुरू शुरू में बिगनर हैं तो स्पेशली आपको ग्रोथ मोड ही सेलेक्ट करना चाहिए। ग्रोथ मोड सेलेक्ट करने का सबसे बड़ी बेनिफिट ये होता है, आप कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को यहाँ पे ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अब कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स कैसे लेंगे, जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं जो भी डिविडेंड आता है उस यूनिट पे वो री इन्वेस्ट हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपने इस साल 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, उसमें 100 रुपीज की आपकी प्रॉफिट आई, डिविडेंड आया, वो री इन्वेस्ट 100 रुपीज हो गया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1100 रुपीज हो गया, और जो भी आपके प्रॉफिट बनेगा वो 1100 पे बनेगा। फिर जो प्रॉफिट आती है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, और इस तरीके से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आप ग्रोथ ऑप्शन का ही चुनाव करें, कभी भी आप डिविडेंड का चुनाव ना करें अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको कैपिटलाइजेशन फास्ट करना है तो। फोर्थ पॉइंट, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट मोड। जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं म्यूचुअल फंड में तो वहां दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक रेगुलर मोड होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट और रेगुलर में जो बेसिक अंतर होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो का। जब आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअली वो रेगुलर मोड में जाता है, और जब रेगुलर मोड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। और अगर आप इसके रिटर्न को भी कंपेयर करेंगे तो पर भी आप देखेंगे हमेशा 0.5 से 1% तक के रिटर्न में डिफरेंस होता है। और इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें आप कभी भी रेगुलर मोड में इन्वेस्ट ना करें। रेगुलर मोड में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए और आपको डायरेक्ट मोड का चुनाव करना चाहिए। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर आप 10-12 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एक जो छोटा अमाउंट 0.5 या 1% का जो डिफरेंस होता है, ये आपके 10 सालों में 3-4 लाख रुपए से ज्यादा का इम्पैक्ट डालता है आपके रिटर्न पे। तो अगर आप डायरेक्ट मोड में इन्वेस्ट किए हैं तो आप एक बेहतर रिटर्न की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ओवरलैपिंग। कई बार एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम क्या करते हैं, हमें नहीं समझ होती है कि ओवरलैपिंग क्या होती है, हम चीजों को क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर हमें 5000 का इन्वेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें स्मॉल कैप में जाना है या मिड कैप में जाना है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों के मिड कैप या स्मॉल कैप में हम चूज कर लेते हैं स्कीम को। 1000 रुपीज हमने डाल दिया कोटक में, 1000 रुपीज HDFC में, जो उसके स्मॉल कैप सेगमेंट के हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, अब आप नहीं देखते हैं कि आप एक ही फंड में बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने 5000 फाइव स्कीम में डाला, पर आपने 5 स्कीम था वो सेम कैटेगरी का था, लाइक स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे उसके टॉप इन्वेस्टमेंट, उस म्यूचुअल फंड जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उनके पोर्टफोलियो है या जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको आपको चेक करना चाहिए। टॉप 5 जो उनकी पोर्टफोलियो है वो सेम कंपनी का शेयर बाय कर रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कंपनी में डाल रहे हैं पैसा, आपके पैसे उसी कंपनी में जा रहा है, और आप बार बार ओवरलैपिंग किए जा रहे हैं उसी चीज को। आप बार बार आप देखने के लिए करें कि हमने 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और 5 म्यूचुअल फंड तो उस म्यूचुअल फंड उसी कंपनी के शेयर बाय कर रही है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको देखना चाहिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करें वो किन किन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर सेम कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको जब चूज करते हैं तो आपने जैसे चूज किया वो एक मिड कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा चूज कीजिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तीसरा कोई दूसरा स्कीम में डालिए। ऐसा नहीं कि आप मिड कैप के ही सेगमेंट में 2-3 अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए।
सिक्स्थ पॉइंट, रेटिंग वर्सेस पास्ट परफॉर्मेंस। कभी भी आपको रेटिंग के बेस पे म्यूचुअल फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए कि इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, तो रेटिंग को बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए, रेटिंग को बिल्कुल इग्नोर करके चलिए। नेक्स्ट होता है आपका पास्ट परफॉर्मेंस, आपको जरूर देखना चाहिए म्यूचुअल फंड पे, और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखना चाहिए कि पीछे साल उन्होंने एक अच्छी रिटर्न दिया, उसके पीछे साल दिया, लेकिन ओवर द पीरियड देखिए, 6 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, या जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से आप देखिए कि क्या उसने हमारे जो एक्सपेक्टेशन इस म्यूचुअल फंड से उन्होंने वो पूरा किया है कि नहीं किया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस साथ में आप एक चीज और एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, वो पॉइंट है मैनेजर कि जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहा है उस मैनेजर की परफॉर्मेंस पीछे क्या रही है, कौन कौन से फंड वो मैनेज कर चुका है, पीछे कौन सी कंपनी में था, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। अगर वो करंट म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम से उसका मैनेजर है, उस फंड को वही मैनेज कर रहा है, तो पीछे दिनों में उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं कि पीछे को और मैनेजर उसको ऑपरेट कर रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, पास्ट हिस्ट्री को जरूर चेक करना चाहिए, या उस म्यूचुअल फंड के पास्ट ट्रैक को जरूर चेक करना चाहिए और लंबे टाइम के लिए ट्रैक करना चाहिए। ये नहीं कि पीछे किसी कारण से मार्केट या किसी अदर रीजन से म्यूचुअल फंड ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, बट ओवर द पीरियड एक लंबे टाइम अगर हम देखेंगे तो यार म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, तो हमें कभी भी एक साल या दो साल के परफॉर्मेंस के बेस पे म्यूचुअल फंड को जज नहीं करना चाहिए। तो हमें ड्यूरेशन, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए, रेटिंग को बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो एंड फंड साइज। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको स्पेशली इस पॉइंट को तो जरूर चेक करना चाहिए कि उस फंड की एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो मीन्स जो एक रिटेल इन्वेस्टर से चार्ज करती है कंपनी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कंपनी आपसे वो चार्ज करती है और उसी से सारे वो खर्चे या जो भी प्रॉफिट कमाती है उसी एक्सपेंस रेशियो के बेस पे वो अर्न करती है। तो आपको जरूर देखना चाहिए उस फंड की एक्सपेंस रेशियो कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा किसी फंड की एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वो कंपनी आपके फंड को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही है। जिसकी एक्सपेंस रेशियो कम है, दैट मीन्स वो कंपनी आपसे फंड को मैनेज करने के लिए कम पैसे चार्ज कर रही है। बट अगर सिमिलर परफॉर्मिंग फंड है, सिमिलर कैटेगरी के फंड हैं, अगर सेम परफॉर्मेंस दे रही है, तो हमेशा आपको ऐसे फंड का चुनाव करना चाहिए जिनकी एक्सपेंस रेशियो कम हो। दूसरा, फंड साइज। फंड साइज भी आपको जरूर देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिनकी फंड साइज छोटी होती है उनकी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। जब फंड साइज बड़ा होता है तो आपकी एक्सपेंस रेशियो घटती है। तो आपको फंड साइज को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या जिस कंपनी में, जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी फंड साइज क्या है और उनकी एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो इस दो पॉइंट को, एक्सपेंस रेशियो तो डायरेक्टली आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करती है। ऐसा भी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई है तो उनकी रिटर्न अच्छी नहीं है, उनकी रिटर्न भी अच्छी हैं, पर एज यूजुअल जो देखा जाता है जिनकी एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो उनकी कहीं ना कहीं वो एक्सपेंस रेशियो का बर्डन जो है आपके रिटर्न पे पड़ता है। इसलिए इन दोनों पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। हमेशा अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि एक कहावत जिसे है कि कभी भी सारे अंडे को एक टोकरी में नहीं डालना चाहिए, ऐसे ही आपके सारे फंड, जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कभी भी एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, अपने रिस्क को डाइवर्ट करके रखना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया ओवरलैपिंग ऑफ फंड में, सेम कॉन्सेप्ट यहां काम करती है डाइवर्सिफिकेशन में। जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हैं मार्केट में तो सारे फंड को एक ही नेचर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कीजिए या ओवरलैपिंग नहीं करवाइए। अब जैसे आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो 10,000 इन्वेस्ट करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम 2,000 रुपये स्मॉल कैप में डाल रहे हैं तो 1,000 रुपीज आप मिड कैप में डालिए, दूसरे जो आपके म्यूचुअल फंड्स के नेचर हैं उसमें डालिए, कुछ इंटरनेशनल में डाल दीजिए, तो अलग अलग टाइप के फंड्स हैं तो कुछ गोल्ड में डालिए, कुछ इंडेक्स फंड में डालिए। इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप कितने एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, कि आप कितना रिस्क लेने के मूड में हैं, आपका गोल क्या है, अपने गोल के अनुसार आप उसको कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें
थोड़ी सी रिस्क लेने के मूड में हम हैं, हमें कितनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, उस तरीके का फंड का चुनाव कीजिए और अपने फंड को हमेशा अलग अलग कैटेगरी में डाल के रखिए। सारे फंड को अगर स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप में एक जगह नहीं डाल दीजिए, 60% आप स्मॉल कैप में डालिए, 30% मिड कैप में डालिए, जो 10% है आप उसको लार्ज कैप में डालिए, या लार्ज कैप से ज़्यादा बेटर मैंने पहले भी बताया कि आप इंडेक्स फंड में डालिए। तो इस तरीके से अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके रखिए ताकि आप कम से कम रिस्क लें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आप उस फंड से उम्मीद कर सकें, उस फंड से अर्न कर सकें। तो डाइवर्सिफिकेशन तो जरूर मेंटेन करना है आपको इन्वेस्ट करते समय। 9th पॉइंट है अवॉइड इंडेक्स फंड एंड ETF। अभी मैंने बोला कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि मैं नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा हूँ कि अवॉइड इंडेक्स फंड। मैंने ये नहीं बोला कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है, आप शुरुआती दौर में है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एज 35-45 तक है, तो आपको थोड़ी सी रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल ही सेफ प्ले नहीं करना चाहिए। इंडेक्स फंड की जो रिटर्न है यूजुअली 12-14% बिल्कुल ब्लेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, बट आप अगर आपको 22% मिलता है, 25% मिलता है, 17% मिलता है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए शुरुआत के लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो बिजनेस है, उसे मैं कहता हूँ हमेशा आप रिस्क लीजिए, 20-20 भी प्ले कीजिए, बिल्कुल ही टेस्ट की तरह खेलने की ज़रूरत नहीं है कि हम अगर जम गए हैं तो जी हमें बिल्कुल लास्ट तक प्ले करना है, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए। अवॉइड ETF में आपको ETF, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है, ऐसे ETF में बहुत सारे ETF हैं। आप ETF में आपको इन्वेस्ट करना तब फायदेमंद होता है जब मार्केट में भारी गिरावट आ रही हो, तो ऐसे टाइम में आपको ETF में करना चाहिए। ऐसे भी ETF जितने भी हो, सारे वेल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ ETF फंड HDFC या दूसरे, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा है, बट आप उसमें से देख के कीजिए। बट मैं कहूंगा कि ETF में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और आपको जो दूसरे फंड है उसमें जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट है, लगातार गिरावट जा रही है, तो आपको ETF में इन्वेस्ट करना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप इंडेक्स फंड के जगह आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, बेहतर रिटर्न के लिए उम्मीद कीजिए, और आपको इंडेक्स फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। 10th पॉइंट, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं टॉप अप 10% और 20% पर ईयर। जब भी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, लाइक आपने 1000 रुपीज से स्टार्ट किया, आपने उसके टेस्ट समझ लिया, आपने उसके रिटर्न देख लिए, अब ये नहीं कि आपने 1000 रुपीज या 5000 रुपीज या 10000 से स्टार्ट किए और वही लाइफ लॉन्ग वो 5000 जा रहा है आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, जो इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे आपके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो मिनिमम आपको 10-20% एवरी ईयर आपको इंक्रीज करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। आज 1000 रुपीज कर रहे हैं, अगले साल आप स्टार्ट कीजिए 1200-1500, फिर अगले साल 2000, इस तरीके से आपको बढ़ाते रहना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को आप फ्यूचर में बीट कर सकें और एक बेहतर अमाउंट जो आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको जब इन हैंड मिले तो एक बड़ा अमाउंट आपके हाथ में आए जो आपके इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भी ख़त्म कर सके। और ऐसा नहीं कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है, आपके खर्चे भी, घरेलू खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो आपके इंस्टॉलमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, तो ये नहीं आज हमने कर दिया तो 20 साल तक वही जा रहा है 1000-1000 रुपीज़। आज आपने 1000 कराया, अगले बार 1200 कराइए, अगले साल 1500 कराइए, फिर अगले साल 2000 कराइए। तो इस तरीके से आप उस पर इफेक्ट, इंक्रीमेंट का इफेक्ट डालते रहिए ताकि आपको एक बेहतर हैंडसम अमाउंट लास्ट में मिल सके। अगर आप ये 10 पॉइंट म्यूचुअल फंड बाय करते समय कंसीडर करते हैं, तो आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न या बेकार जो मार्केट्स के रिटर्न है, इस तरीके से रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर आपने ये पॉइंट ध्यान रखा था, लॉन्ग टर्म में ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म में आपके म्यूचुअल फंड लगातार 3-4 साल परफॉर्म वेल नहीं कर रही है, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसे स्विच कीजिए ऐसे फंड में, ऐसे फंड मैनेजर के साथ जो बेहतर रिटर्न दे रही है, जो
बेहतर परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार बाय कर लिया तो हम उसे कभी भी रिव्यू नहीं कर रहे हैं, उसके पास परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, हम आंख बंद करके सो गए कि यार ओवर द पीरियड ये तो हमें रिटर्न देगी। नहीं, बीच बीच में आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, उसको देखिए। अगर आपका फंड परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएट उसे स्टॉप करना चाहिए और उसे स्विच कर लेना चाहिए किसी बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप वीडियो यूजफुल लगा है, आपको लगता है कि रियली ये पॉइंट्स वर्क करेंगे हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, या जो आपके फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, न्यू हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे बेहतर वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।